हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैसे यहां पर ये है मेरे पास में रियलमी C63 स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में कैमरा के सेटिंग्स बताऊंगा, कैमरा के तगड़े सेटिंग्स बताऊंगा, तगड़े फीचर्स बताऊंगा। दोस्तों एक एक फीचर आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैमरा का इसी स्मार्टफोन का। आप इस वीडियो को देखकर अपने स्मार्टफोन के जो कैमरा की जो फोटोज़ और वीडियोज़ लेंगे प्रोफेशनल लेंगे, कमाल के लेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको सारे सेटिंग्स एक्सप्लेन करके बताऊंगा कौन सा फीचर ऑन रखना चाहिए, कौन सा फीचर ऑफ रखना चाहिए, क्या करने से क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, आप इस वीडियो को तक देखना। चलिए कैमरा ऐप को ओपन करते हैं। कैमरा ऐप ओपन करते ही सबसे पहले आपको यहां पे मिलता है दोस्तों नाइट मोड। ये नाइट मोड क्या होता है, रात में फोटोज क्लिक करने के लिए आपको सेपरेटली एक अलग से नाइट मोड दिया गया होता है स्मार्टफोन्स में। यहां पे आप रात में फोटोज लेना चाहते हैं तो आपको इस नाइट मोड में ही फोटो लेना होगा। एक अच्छे से फोटो लेने के लिए आप इसके ऊपर टैप करके लाइटिंग को ज्यादा कम तो इसमें नहीं कर सकते। यहां पे आप जूम करना चाहे तो आप इसमें 10x तक जूम करके यहां पे नाइट मोड में फोटोज तो ले सकते हैं। इसके बाद यहां पे हम देखें दोस्तों सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे इस सेटिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर बाकी और कुछ खास नहीं है, इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं है नाइट मोड में। बाकी स्मार्टफोन में नाइट मोड में भी बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ पर बस फोटो आप ले सकते हैं 10x तक जूम करके, इसके अलावा आप यहाँ पर उसमें और भी कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं भी वीडियो मोड में। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो आना होगा इस वीडियो मोड में। यहाँ से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जूम करना है तो आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त भी 10x तक जूम कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम देखें तो चलिए यहाँ पे भी इसमें लाइटिंग को आप कम ज़्यादा इसमें भी आप नहीं कर सकते दोस्तों। यहाँ पर टैप करके लाइटिंग को कम ज़्यादा करने वाला फीचर होता है लेकिन इसमें नहीं है। और यहाँ पर फ्लैश हुड का एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है, इसको हम एक बार क्लिक करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले ही ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, एक और बार क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाती है दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए ये हो गया। और यहाँ पर और कुछ खास नहीं है यहाँ पे, और चलिए गाइस यहाँ पे ज़्यादा फीचर्स ही नहीं है यहाँ पर कैमरा के इस फोन में। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट आते हैं फोटो मोड में। आप फोटो मोड में आने के बाद यहाँ पे आप जूम करना चाहे तो इसमें भी आप 10x तक जूम करके फोटो ले सकते हैं। ये नॉर्मल मोड है, एनी टाइम इसमें फोटो ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम देखें गूगल लेंस भी आपको मिलता है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से करेंगे ओपन कैमरा, मतलब इस तरह से ओपन करेंगे इसको, यहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ तो मान लो कि इंग्लिश पेपर है, आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ट्रांसलेट में आके यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी हम यहाँ पर कर लेंगे। सबसे पहले इंग्लिश पेपर है तो आप यहाँ पर करेंगे सबसे पहले इंग्लिश को सिलेक्ट। तो चलिए यहाँ पर मैं इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया, इंग्लिश टू हिंदी को ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पर मैंने हिंदी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम उस पेपर का फोटो लेंगे, वो इंग्लिश पेपर हिंदी में आपको दिखेगा, हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताएगा, तो आप इंग्लिश पेपर को हिंदी में कुछ इस तरह से पढ़ सकते हैं। इसके बाद सर्च, मान लो कोई भी एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का आपको नाम नहीं मालूम और या तो आप उसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स चाहते हैं तो आप यहाँ पर सर्च में आके वो प्रोडक्ट का सबसे पहले फ़ोटो लेंगे। फोटो लेके इस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या होता है, वो उसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड करता है और वो प्रोडक्ट्स के बारे में और भी आपको जानकारी निकाल कर दे देता है। कुछ इस तरह से आप सर्च भी कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। बैक आता हूँ दोस्तों यहाँ पर। बैक आने के बाद आप चलिए यहाँ पर आपको मिलता है फोटो मोड में आने के बाद में, चलिए यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ फ़िल्टर्स मिलते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो फ़िल्टर आपको अच्छा लगे वो फ़िल्टर लगा के आप यहाँ पर फोटो ले सकते हैं दोस्तों इस नॉर्मल मोड में। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है, इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने फेस को ब्यूटी कर सकते हैं। सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है, आप अपने फेस को आप यहाँ पर स्मूथ वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हैं, अपने फेस को आप यहाँ पर ब्यूटी वगैरह करना चाहिए कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसके बाद आप HDR को भी ऑन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हाई डायनामिक रेंज की फ़ोटो लेना है आपको तो ये होता है HDR के फ़ोटो ले सकते हैं, इसको ऑन करके एक ऑन कर लेना भाई दिन शॉर्ट्स के लिए, इसके फ़ोटो थोड़ा अच्छे होते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों उसके बाद में फ्लैश हुड का फीचर। आप यहाँ पर जो इसको येलो करके रखना है, आप येलो करके रखेंगे तो फ़ोटो क्लिक करते वक्त में ये फ्लैश हुड ऑन हो जाती है दोस्तों। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अभी पोर्ट्रेट में। यहाँ से आप बैकग्राउंड को ब्लर करके फ़ोटोज़ ले सकते हैं दोस्तों इस मोड में आके। इसके बाद यहाँ पर HDR को इसमें भी ऑन कर सकते हैं और आप इस पर क्लिक करके जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है उसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पर करेंगे अपर्चर को ज़्यादा तो बैकग्राउंड ब्लर कम होता है, आप अपर्चर को कम करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा होता है। आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है उसको। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर हम और देखें तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर इस सेटिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। 50
बोलकर एक जो मोड मिलता है, इस मोड में आप आके जो 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस है उस लेंस से फोटो ले सकते हैं, लेकिन इसमें आप कोई जूम नहीं कर सकते और पोर्ट्रेट में भी आप कोई जूम नहीं कर सकते यहाँ पर, पोर्ट्रेट में भी नहीं। और 50 बोलकर जो मोड मिल रहा है इसमें भी आप जूम नहीं कर सकते दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करके छोड़ेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आप लाइटिंग को ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर वहाँ पर लाइटिंग बहुत कम है तो यहाँ से इसको इस तरह से ज़्यादा कर लेना, ज़्यादा है तो आप कम कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये सारे मोड्स में आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, इसको पोर्ट्रेट मोड में, फोटो मोड में, इस सारे मोड में आप यहाँ पर इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, उसके बाद आप इस तरह से सबसे पहले लॉन्ग प्रेस करके रखना है कुछ 2-3 सेकंड, उसके बाद इस तरह से आप इसको लाइटिंग को ज़्यादा कम कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट मोड में। मोड में आने के बाद आप यहाँ पर टाइम लैप्स के शॉट्स ले सकते हैं, यहाँ से आप टाइम लैप्स के शॉट्स लेना चाहे तो। वापस से मोड में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है प्रो। इस प्रो मोड में आप आकर DSLR कैमरा के 2-4 सेटिंग्स करके फोटो ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर मिलता है, इस पर क्लिक करके लाइटिंग को ज़्यादा कम आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आप ऐसी जगह पर वहाँ पर लाइटिंग बहुत कम है तो ज़्यादा कर लेना, ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है S बोलकर, ये मतलब होता है शटर स्पीड, मतलब आप रनिंग में फोटो ले रहे हैं तो शटर स्पीड को जितना हो सके उतना ज़्यादा कर लेना होता है, और आप खड़े होकर ले रहे हैं तो जितना हो सके उतना आप कम कर सकते हैं। ये होगा, ये होता है ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप इसको ऑटो फोकस पर सेट करेंगे तो कोई भी आता है कैमरा के एंगल में तो उसको ऑटोमेटिक वो फोकस कर लेगा। आप यहाँ पर ऑटो फोकस को ऑफ करेंगे, ऑटो फोकस नहीं रखेंगे आप तो क्या होता है, आपको इस तरह से टच करके फोकस करना होता है। उसके बाद ISO भी लाइटिंग को ऐड करता है दोस्तों। आपको लाइटिंग ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर ISO को जितना हो सके उतना ज़्यादा रख सकते हैं। ऑटो पर सेट करेंगे तो लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ऑटोमेटिक वो ISO कम ज़्यादा होते रहता है। उसके बाद यहाँ पे वाइट बैलेंस भी आपको मिलता है, यहाँ पर कलर चेंज करता है जैसे यहाँ पर ये वाइट बैलेंस में आप कलर चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर इसको कॉन्ट्रास्ट मिला सकते हैं और सैचुरेशन को भी बढ़ा सकते हैं। सैचुरेशन को बढ़ाने से कलर्स वगैरह थोड़ा और भी इन्हांस होते हैं, और कॉन्ट्रास्ट में आप यहाँ पर इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाकर थोड़ा डार्क कर सकते हैं दोस्तों फोटो को दोस्तों। तो चलिए ये हो गया, और वापस से नेक्स्ट आते हैं भी वापस से मोर में। मोर में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है पियानो। ये क्या है, मान लो बहुत ही बड़ा प्लेस है, आप पूरे प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहते हैं तो पियानो में आके शूटर बटन पर क्लिक करके धीरे धीरे पूरे प्लेस को बता देना है तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है दोस्तों। वापस से आते हैं यहाँ पे मोर में। मोर में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्लोमो। आप यहाँ पर स्लोमो की वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो यहाँ से स्लोमो की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और QR कोड को यहाँ से आप स्कैन करेंगे तो QR कोड किस चीज़ के बारे में आपको उस चीज़ के लिए रीडायरेक्ट कराएगा दोस्तों। तो चलिए वापस से आते हैं यहाँ पे अभी फोटो मोड में। सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे कुछ सेटिंग जो है इसको हम देखेंगे दोस्तों, कौन सा फीचर क्या काम करता है। यहाँ पे सबसे पहले स्टोरेज लोकेशन, मतलब आपने एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड इसमें लगा कर रखा है तो यहाँ पर वो एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड भी आएगी। आप यहाँ पर एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड को सेलेक्ट करेंगे तो जो भी फोटोज़ और वीडियोज़ इसमें लेंगे वो एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड में जाएंगे, फ़ोन मेमोरी में नहीं जाएंगे दोस्तों। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद बटन वॉल्यूम बटन एक्शन है, यहाँ पे आप शूटर पर सेट करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो फोटो क्लिक होता है। आप यहाँ पर वॉल्यूम पर सेट करके रखेंगे तो कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा कम होता है, माइनस बटन पर क्लिक करेंगे तो कम होता है। ये होगा। इसके बाद आप यहाँ पर जूम पर सेट करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो जूम ज़्यादा होता है, वॉल्यूम माइनस बटन पर क्लिक करेंगे तो जूम कम होता है। ये हो गया दोस्तों। इसके बाद शूटर साउंड मिलता है आपके यहाँ पर। फोटो क्लिक करते वक्त साउंड आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं, आना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डायनामिक बटन एक्शन है, यहाँ पे हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो बटन है ना, इस बटन पर एक बार बस इतना टैप करना है तो फोटो क्लिक हो जाता है, कैमरा ऐप ओपन करके क्लिक करेंगे तो। ये हो गया। और सेव लोकेशन इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी फोटोज वीडियोज लेंगे लोकेशन बताना चाहिए नहीं, वो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद फोटो के साइज़ को आप यहाँ पर रीसाइज कर सकते हैं, किस साइज़ में आपको फोटो लेना है वो आप यहाँ पर फोटो के साइज़ को आप रीसाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके बाद आप इमेज क्वालिटी को आप यहाँ पर फाइन, नॉर्मल, सुपर फाइन कर सकते हैं। सुपर फाइन मतलब एकदम हाई क्वालिटी में फोटो निकल कर आएंगे दोस्तों। उसके बाद पिक्चर वाटरमार्क है, यहाँ से ऑटोमेटिकली ऐड लोगो वाटरमार्क हम इसको ऑन करेंगे, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड टाइम स्टैम्प इसको भी ऑन कर लेंगे। और किस साइज में, मतलब किस प्लेस पर बताना चाहिए, मीडियम और राइट लेफ्ट आप यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो वाटरमार्क बताता है वो उसका प्लेसमेंट है। ये हो गया। और फॉन्ट साइज, मतलब स्मॉल बताना चाहिए वाटरमार्क या बड़े साइज में बताना चाहिए, छोटे साइज में बताना चाहिए आप यहाँ पर कर सकते हैं। कस्टम टेक्स्ट में अपना नाम यहाँ पर कुछ भी लिख कर डाल सकते हैं, आप यहाँ पर जो लिख कर डालेंगे वो बताएगा दोस्तों यहाँ पर जो भी फोटो लेंगे। एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं नाम डाल लेता हूँ अपना। इसके बाद यहाँ पर एक फोटो लेके भी आपको मैं बताऊँगा वाटरमार्क कुछ कैसे बताता है। यहाँ पर मैंने फोटो लिया
और यहाँ पर ये देख लीजिए अभी वाटरमार्क इस तरह से यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पे है फ़ोन का मॉडल है, डेट एंड टाइम भी है और नाम भी है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। सेटिंग्स में आएंगे वापस से और नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलता है टाइमर, यहाँ से आप 3 सेकंड्स और 10 सेकंड्स का टाइमर सेट कर सकते हैं। आपने यहाँ पर 3 सेकंड्स को सेट कर लिया तो फोटो क्लिक करते वक्त में इस तरह से 3 सेकंड्स का टाइम आएगा, 3 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। आप ग्रुप के साथ फोटो ले रहे हैं या फोटो लेने वाला कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं, तो उस वक्त में ये बहुत ही यूज़फुल हो जाता है, क्योंकि मान लो कि आप 10 लोगों का ग्रुप है, पूरे 10 लोगों के साथ आपको फोटो लेना है, तो सबसे पहले 9 लोग खड़े होंगे, उसके बाद एक बंदा क्या करेगा यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम सेट करेगा। इस तरह से 10 सेकंड का टाइम सेट करके स्मार्टफोन को कहीं भी रख के शूटर बटन पर क्लिक करके वो भी 10 सेकंड में जाके ग्रुप में खड़ा हो सकता है। उस वक्त में 10 सेकंड के बाद में उसके बाद में ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है पूरे 10 लोगों के ग्रुप के साथ में, कुछ इस तरह से ये हो गया दोस्तों। उसके बाद आप अकेले फोटो लेने वाला कोई भी नहीं तो उस वक्त भी इसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ग्रेड लेंस कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लेंस दिखेंगे। कैमरा क्वालिटी में वगैरह कुछ फर्क नहीं आएगा, बस यहाँ पर जो दिखने में फर्क आता है कैमरा ओपन करने के बाद जो ऐप दिख रहा है ये दिखने में फर्क होता है बस। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे हम सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके आएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है लेवल, ये काफ़ी कमाल का है। इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक लेवलर आपको दिखेगा, इससे आप पता कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को कितना सीधा पकड़े हैं, तो ये यूज़फुल हो जाता है। आप स्मार्टफोन को इस तरह से पकड़े हैं तो कितना सीधा पकड़ा है आपने वो देख सकते हैं। और इसके बाद नीचे आएंगे स्माइल शूटर, इसको ऑन करेंगे तो सेल्फी कैमरा ओपन करके आप स्माइल करेंगे तो ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। एंटी फ्लिकर को भी आप यहाँ पर ऑटो या 60 हर्ट्ज़ 50 हर्ट्ज़ पर रखने के बाद, कहाँ पर रखने के बाद, जो कभी कभी फ्लिकर होता है ना आपका स्क्रीन, वो क्या रखने के बाद वो फ्लिकर नहीं होना चाहिए, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फ्लिकर हो रहा है 50 हर्ट्ज़ पर रखने के बाद तो 60 हर्ट्ज़ पर कर लेना इसको, ऑटो पर रखने के बाद नहीं हो रहा है तो आप ऑटो पर सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, इसको अपनी लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ये फ्लिकर होते रहता है, आप उसके हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद AI सीन रिकॉग्निशन, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप जो भी फोटो लेंगे तो उसको AI क्या करेगा और भी थोड़ा उसको अच्छा करेगा, फोटो को अच्छा करके आपको आपके सामने पेश करेगा आपके फोटो को दोस्तों। तो चलिए ये हो गया। और टैप टू कैप्चर को हम ऑन करेंगे तो आप कैमरा ऐप ओपन करके कहीं भी टच करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है। वापस इसी सेटिंग्स में आके नीचे आएंगे, यहाँ पे आप रिस्टोर डिफॉल्ट्स पर क्लिक करके सारे सेटिंग्स को रिसेट कर सकते हैं। आप अभी करेंगे तो नया स्मार्टफोन लेने के बाद में जैसी सेटिंग्स थी सारे सेटिंग्स उसी तरह हो जाते हैं। और एक और बार ये वीडियो देख के आप एक और बार ये सारे सेटिंग्स कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था इसी रियलमी C63 स्मार्टफोन के, आपको मैंने बता दिया कुछ कैमरा के सेटिंग्स। आप इसी स्मार्टफोन के टॉप 60+ फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, बहुत ही कमाल के तगड़े ट्रिक्स बताया हूँ, हिडन फीचर्स बताया हूँ इसी स्मार्टफोन के, वो वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं।